आप देख रहे हैं जगन न्यूज 24। खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जगन न्यूज 24। झांसी जिले के टहरोली तहसील में हो रहे बालू खनन की कई खबरें दिखाई गई थी, लेकिन ना तो माफियाओं के हौसलों में कोई कमी आई है और ना ही शासन प्रशासन ने कोई सख्ती दिखाई। इससे पहले कुछ भूमाफियाओं के ऑडियो भी वायरल हुए थे, जिसमें आशंका जताई गई थी कि बालू माफियाओं में यहां कभी भी जंग छिड़ सकती है, जिसकी वानगी आज देखने को मिल गई। पूरा मामला झांसी जिले के एरच थाना क्षेत्र से सामने आया है, जिसमें बेतवा नदी के शमशेरपुरा घाट पर आज बालू भरने के विवाद में फायरिंग से दबंग माफियाओं ने दहशत फैला दी। बालू ठेकेदार के कर्मचारी ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया है कि बालू माफिया घाट से जबरन बालू को उठा रहे थे। इसकी सूचना उन्होंने मालिक के कहने पर पुलिस को भी दी थी। साथ ही माफियाओं को रोकने के लिए रास्ते में LNT मशीन से गड्ढा किया जा रहा था। यह बात बालू माफियाओं को नागवार गुजरी और बालू घाट पर पहुंचे। दबंग बाहुबली माफियाओं ने LNT मशीन पर फायरिंग कर दी। एक गोली चालक के हाथ में लगी है, जिससे चालक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि इन घाटों पर खुद को सत्ताधारी नया का करीबी बताकर बालू माफिया सत्ता की हनक दिखाते हैं और दबंगई से बालू का अवैध उठान करते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए जिला प्रशासन इन माफियाओं पर सख्ती नहीं दिखा पा रहा है। क्या प्रशासन किसी बड़ी घटना के बाद जागेगा, यह एक बड़ा सवाल है। देखिए अनिल कुमार शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु सिंह है सर। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं राजस्थान का हूँ सर। यहाँ किस लिए आए हैं आप? यहाँ सर हमारी कंपनी की खदानें हैं, टेर का फर्स्ट और सेकंड। क्या घटना हो गई वहाँ? आज सर घटना हुई थी नाइट के टाइम में, बिलाटी के कुछ लोगों द्वारा ट्रैक्टर से अवैध रूप से हमारी खदान से मोरम चोरी कर रहे थे। उसके बाद हमने ऊपर सूचना दी तो मतलब सुबह हमें बोला गया कि पुलिस को सूचना दो और उसके बाद LNT मशीन लेके और जिस रास्ते ट्रैक्टर आते हैं वहाँ से खड्डा खुदवा दो। तो हम सर बेंदा चौकी लगती है वहाँ पे सूचना की पुलिस को और उसके बाद LNT मशीन लेके हम खदान में चले गए वो रास्ता खोजने के लिए। जैसे ही हमारी मशीन पहुँची उसके बाद मतलब बाइकों से 10-15 लोग आए थे, उन्होंने मतलब कम से कम 20 फायर किए और पूरी मशीन का मतलब चकनाचूर कर दिया। जो हमारा ऑपरेटर था मशीन का उसको हाथ में गोली लगी है सर। वो कहाँ गया? वो सर 112 पे कॉल किया था तो पुलिस सहायता पहुँच गई थी तो हॉस्पिटल लेके गया सर। थाना एरस में झांसी में आज क्या संज्ञान पर आया है? थाना एरस जिला झांसी में आज टेड़का घाट में मारपीट हुई है, जिसमें मोहिद्दीन सना फकरुद्दीन जो नरैनी जिला बांदा का रहने वाला है उसको कुछ चोटें आई हैं और आशु सिंह जो उनके साथ काम करने वाले हैं उनके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और इसमें अभियोग पंजीकृत करा के विधिक कार्रवाई की जा रही है।